पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से शांति लाने का एक मौका देने की बात कही और उन्हें यकीन दिलाया कि वह अपनी जुबान पर कायम रहेंगे और अगर भारत पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को कार्रवाई करने योग्य खुफिया जानकारी उपलब्ध कराता है तो इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की यह टिप्पणी राजस्थान में मोदी की उस रैली के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में आम सहमति है, आतंकवाद के दोषियों को दंडित करने के लिए हमें मजबूती से आगे बढ़ना है, इस बार हिसाब होगा और बराबर होगा, यह बदला हुआ भारत है, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम जानते हैं कि आतंकवाद को कैसे कुचलना है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद खान को बधाई देने के लिए फोन पर उनके साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए मोदी ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आइए गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़ें। इस पर खान ने कहा कि मोदी जी मैं पठान का बच्चा हूँ, सच बोलता हूँ, सच करता हूँ। आज उनके शब्दों को कसौटी पर तोलने का वक्त है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी जुबान पर कायम है कि अगर भारत कार्रवाई करने योग्य खुफिया जानकारी देता है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। खान ने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को शांति का एक मौका देना चाहिए। इससे पहले 19 फरवरी को खान ने भारत को आश्वस्त किया था कि वह पुलवामा हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसे पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने अंजाम दिया था। अगर भारत कार्रवाई करने योग्य खुफिया जानकारी साझा करता है तो पाकिस्तान जरूर कार्रवाई करेगा। हालांकि उन्होंने बदले की भावना से कोई जवाबी कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ भारत को चुनौती दी। बहरहाल भारत ने कहा है कि हमले की जांच को लेकर खान की पेशकश बहाना है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।